एक भी दुकानें नहीं खुली है। उफ, उफ, उफ। आज हवा कितनी तेज है, अगर आप उसकी हकीकत देखना चाहते हो तो वो देखो, वो नाव लहरों से लड़ती हुई कैसे उस पार जा रही है, और वो आगे बढ़ने में बहुत उसको मुश्किल हो रही है। अगर इस साइड जा रही होती तो बहुत तेज निकल जाती, लेकिन अगर उस साइड जा रही है ना तो लहर उस साइड से इस साइड की तरफ आ रही है, इससे दिक्कत उसको ज्यादा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका तो साहब आपके साथ है। मौसम काफी ज्यादा बदल चुका है। कल जिस तरह से खुशगवार मौसम था उस तरह का आज बिल्कुल भी नहीं। बहुत तेज धूप निकली है और 11 बजे, दिन के 11 बजे ये हाल है, मतलब बताया नहीं जा सकता है कितना जबरदस्त गर्मी लग रही है। और आज दिन भर रोजे ही बहुत तगड़े लगने वाले हैं। कुछ काम है इसलिए हमें बाहर निकलना है, लेकिन उससे पहले कुछ मुख्तसर सी बातें करनी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ करना ये चाहता था कि हेटर्स जो लोग होते हैं उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। हेटर्स कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते यार, देख देख के तकलीफ भी होती है उनको, लेकिन जैसे आप वीडियो डालते हो ना वैसे आपके पास डिसलाइक्स आने शुरू हो जाते हैं। कोई इंसान कुछ भी कर सकता है लेकिन अपना पेशा नहीं छोड़ सकता। अगर उसका पेशा छूट गया तो उसकी जिम्मेदारियां भी छूट जाती है। बाय प्रोफेशन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पहले फुल टाइम कर रहा था, अभी फ्रीलांस में करना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब इतना पैसा भी नहीं दे देता कि घर परिवार चले। लेकिन अगर आप लोग इस पर कमेंट ये करते हो कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, लोग उससे सीख करके बाहर निकले, तो भाई हमारी ड्यूटी है वो तो करनी पड़ेगी, रोजी रोटी का सवाल है। सो भैया रमजान में भी यही सब चल रहा है, टी शर्ट ही बहुत ढीली हो गई है, पहले टाइट हुआ करती थी लेकिन अब ढीली हो रही है। चलो अच्छी बात है यार, थोड़ा सा वेट लूज होना भी अच्छी बात है। रोज सुबह घर से बाहर निकलना पड़ता है काम धंधे की तलाश में, कुछ काम। और आजकल कोविड, जब चीजें खराब हो जाती हैं तो लोग सवाल ज्यादा करते हैं। आप ये देखो कि मुझे भी तो डर है, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं है, मेरा भी फैमिली है, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये गलत बंदा तो गलत है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी क्या है ना कि कुछ फ्रेश वेश होकर के थोड़ा बाहर निकलना है, कुछ काम वाम है उसको निपटाया घर आना है। तब तक आप लोग पटना की तस्वीरें देखो क्या सब चल रहा है। ओ भाई कल कितना अच्छा मौसम था जब हम लोग मरीन ड्राइव का वीडियो कर रहे थे, और आज देखो धूप निकल गई यार, शिट, क्या बताऊं मैं, अब कैसी हालत हो रखी है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मतलब रोजे रख करके अगर इतने धूप में बाहर निकलो तो कसम से उफ अल्लाह, मतलब क्या बताऊं कैसा फील होता है। कल का मौसम कितना अच्छा था, यूं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ये क्या है, धावा दल? धावा दल मतलब क्या होता है? अच्छा ये कोविड वाला धावा दल है भाई। सपोज अगर आप कुछ कर रहे हो ना जो कोविड में नहीं करना चाहिए तो ये आपके ऊपर क्या करेगा, धावा बोलेगा, तो इसलिए इसको धावा दल कहा गया है। 6 बजे के बाद दुकानों को बंद कराया जाना होता है तो ये धावा दल एक्टिव होता है, और रात में 9 बजे के बाद जब नाइट कर्फ्यू हो जाता है ना तब ये धावा दल एक्टिव होता है। और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आए खादी भवन, देखिए यहाँ पर किताबें, बचपन में यहाँ से बहुत सारी किताबें खरीदा करते थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर किताबें बहुत सस्ती मिल जाती हैं और कहीं तो पायरेटेड बुक्स होती। चाचा थोड़ा बढ़ा लीजिए, देखो इसको कहते हैं रोज़ा लगना, ये रोज़ा लग रहा है, ये पैर नीचे जो है ना अपने आप चला जाता है। आगे से वहाँ से नो एंट्री है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पता नहीं शायद आप लोग भी करते हो, अगर करते हो तो कमेंट करके बताओ, खादी भवन के बगल वाले रास्ते से हम लोग अंदर ले लेते हैं और वहाँ से फिर आपको एंट्री मिल जाती है। ओ भाई, अरे यार आज इधर भी देख ले भाई, आज थर्सडे है और ये हाल, बाकरगंज क्लोज। बाकरगंज बंद। ओ भाई मतलब ऐसे ये हाल है बाकरगंज का, एक भी दुकानें नहीं खुली है। उफ, उफ, उफ। तो भाई अगर आप सोच रहे हो कि आपको बाकरगंज आना है तो आप मत आइएगा, ये बंद है भैया। आज बंद का है ये, कौन कौन दिन बंद है, कौन कौन सा दिन? हाँ आज बृहस्पति तो है ना, यानी कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि बाकरगंज जाकर के ख़रीदारी कर लें तो आप मत आना, क्योंकि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे बाकरगंज बंद है। उम्मीद नहीं की थी हमने कि ये हालत होगी। हम लोग बाकरगंज से निकले तो यहाँ से एक शॉर्टकट है जो कि आप मेन रोड पे जा सकते हो, और वो ये है। ओ, ओ,
अरे लगा 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 रीजेंट थिएटर, न जाने कितने दिनों से रीजेंट थिएटर एक बार फिर से बंद हो गया। चालू हुआ था लेकिन चालू होने के बाद फिर बंद हो चुका है। तो भैया इस कोविड के टाइम पे अगर आपका भाई थोबड़ा नहीं दिखाए तो प्लीज़ 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 गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि हेलमेट पहन के ज़्यादा सेफ फील कर रहा हूँ। और एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पटना के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। पटना में आपको जितने लोग भी दिखाई देंगे ना, ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग मास्क पहन करके घूम रहे हैं। वो अलग सी बात है कि सर पर हेलमेट नहीं है, बट मास्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कोविड। तो लोग कोविड में मास्क लगा करके घूम रहे हैं। ओफो, पकौड़ों की खुशबू रमजान मुंह में पानी आ गया। हमने थोड़ा देर पहले सरदार जी वाले पकौड़े के पास से गुजर रहे थे, ऐसा वहां से खुशबू आया जैसे हमेशा आता है कि सीधे एकदम नाक में वेजल्स में हिट कर गया अंदर। दो काम था, एक काम था कि ये मेरे आई वॉच का जो स्ट्रैप है उसको चेंज कराना है, और दूसरी चीज थी कि जो मेरा फोन है एसन प्लस उसका बैक कवर बहुत खराब हो गया, वो लेने जाना। सोचा कि बाहर निकले तो चलो ले लेते हैं यार, लेकिन क्या हुआ भाई कि हो गया केस, TTS लग गया। किस पर? हम पर नहीं, TTS मार्केट पर लगा हुआ है। एंड लुक एट द अदालत एंड तालाब, वाह आगे से तो एकदम क्लीन सा लग रहा है यार। आई लव पटना, वाह आई लव पटना। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ये जो TTS लागू हुआ है उसके बाद से पटना की सड़कों पर पब्लिक कम हो गई है। इस्कॉन टेम्पल बहुत जल्द यहाँ का ब्लॉग आने वाला था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने मंदिर मस्जिद पर रोक लगा दी, तो अभी ये फिलहाल बंद है। एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्लाईओवर इन पटना, बिकॉज यहाँ से जो व्यू है ना वो एकदम 100 रुपये का आता है। मतलब मेरे हिसाब से 100 रुपये मतलब 100 out of 100 हो गया। कुछ हेरिटेज बची जैसे कि ये GPO, इतना पुराना बिल्डिंग और इसको अभी भी यूज़ में लिया जा रहा है। और यहाँ से जो हम लोग ये वाले रास्ते से हम लोग जाते हैं तो फिर ये वाला रास्ता आपको मोहब्बत की याद दिलाता है विथ ट्राइकलर, तिरंगा झंडा। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे रुकेंगे हम लोग थोड़ा सा। जस्ट लुक एट दिस, ये नई मस्जिद, महावीर मंदिर, तिरंगा और वो चिड़ैया टान पुल, क्या बात है। विथ पटना जंक्शन, वाओ, ये भाईचारे की बड़ी मिसाल है। इतना खूबसूरत मंजर, और इस साइड में आपको बुद्धा पार्क देखने को मिलता है। ये बुद्धा पार्क है भैया, रोजे में थोड़ा चिल्ला के बोल रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग खड़े हैं पटना जंक्शन के जस्ट पास में, जो फ्लाईओवर है यहाँ पर रुक करके थोड़ा मास्क उतार करके वीडियो बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि यहाँ की वाइब ही अलग है। इस साइड में आपको मिल जाता है महावीर मंदिर, नई मस्जिद, पटना जंक्शन, और इस साइड में आपको मिल जाता है बुद्धा पार्क। तो जब आप इस फ्लाईओवर पे आते हैं तो आपको एहसास होता है कि पता नहीं आप कहाँ पर हैं। एक फ्लाईओवर नीचे से, एक फ्लाईओवर ऊपर से, एक दाएं, एक बाएं, और हम लोग यहाँ से ऐसे मुड़ जाएं गांधी मैदान के लिए। ये जो नया वाला कनेक्टिंग बन गया, पहले ये नहीं था, अब यहाँ से आप गांधी मैदान भी जा सकते हैं। तो भाई साहब, रमजान में कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, जैसे कि वाटरमेलन और ये कुकुम्बर। कैसे किलो भैया? 25 लगाइएगा, 2 किलो लेंगे आपका। लाल नहीं है लेकिन भैया, लेकिन ये हो गए तरबूज और खीरे हो गए। और हम लोग अभी वॉक कर रहे हैं कहाँ पर, ये अपना त्रिपोलिया का इलाका है, यानी कि अपने ही इलाके में वॉक किया जा रहा है इधर से उधर। एंड दिस इज द राम मंदिर जो नया वाला है, देने गई। ओके, थैंक यू। तो एक्चुअली ये जो इफ्तार है ना, हमारे घर में तो रोज़ बनता है, लेकिन किसी को ये चीज़ मिलती नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने आइडिया लगाया कि हमारे घर के पास नीचे का प्लॉट पर काम हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारे लेबर्स हैं, तो उनको कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। गर्मी भाई साहब, गर्मी बहुत बहुत बहुत, मशक्कत करने के बाद घर से बाहर निकले। इफ्तारी, ये देखिए भाई के चेहरे पर स्माइल।
और इस प्लॉट की भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी मैं बताऊंगा इत्मीनान से, अभी कुछ अधूरा काम है इसलिए मैं बीच में बता नहीं सकता। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इसको पूरा कर दिया जाएगा। अभी चलते हैं घर पर। सो वाटरमेलन, आज इस तरबूज को काटने की ड्यूटी मुझे दी गई और इस ड्यूटी को निभाया जाएगा। सबसे पहले चाकू को इधर लगाना है और उसके बाद यूं इसको काट के यूं कर देना। तरबूज ने चाकू की बैंड बजा दी, चाकू की बैंड, फिर भी इसने हार नहीं मानी और तरबूज को काट डाला। अभी इसके टुकड़े टुकड़े करने हमें और उसके बाद परोस देने। वक्त कुछ इस कदर है कि अभी हो गया 5:30 जुबान लड़खड़ाती है, अभी हो गया 5:30 और 5:30 मतलब कि अभी इफ्तारी में 45 मिनट बाकी है भाई, अभी 45 मिनट इंतजार करने हम। क्या कॉम्बिनेशन हो गया, रेड तरबूज पे रेड कलर की टोकरी मिली हमें तरबूज काटने की। तो भाई साहब इफ्तारी हो गई खत्म और रोज एक चीज को क्या दिखाया जाए, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इफ्तार के बाद ही आपसे मिलते हैं। रिदु प्लीज थोड़ा सा वीडियो कर लें दो। तो इफ्तारी के बाद अभी हम लोग मिल चुके हैं आपसे और काफी अच्छा फील होता है जब आप 14-15 घंटे रोजे रखने के बाद एनर्जी महसूस करते हो, गटागट शरबत पी के और पता नहीं क्या क्या खा करके, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी मन करे तो लाइक करिए, मन करे तो डिसलाइक करिए, कंटेंट तो आते ही रहेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराइए, हंसिए और जो बैड न्यूज़ है ना उसको मत देखिए, इग्नोर करिए। न्यूज़ देखिएगा तो दिमाग ज़्यादा खराब होगा।